वहीं देश के कई राज्यों में कल से मौसम फिर बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी होने वाली है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले 3 दिन बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के 6 जिलों में आज रात बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग भोपाल के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है। इसके असर से पूरे प्रदेश में गुरुवार की रात से ही मौसम बदलेगा और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। बिहार में 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक राज्य में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। झारखंड में 3 मार्च को कई जगहों पर तेज गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 1 और 2 मार्च को मौसम फिर से बदलेगा। पूरे प्रदेश में 2 दिन ओले, बारिश और आंधी का अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के 6 जिले यानी कि ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर में आज रात में बारिश होने का अनुमान है। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज बीकानेर, गंगानगर के एरिया में मौसम बदल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 3 मार्च से इस सिस्टम का असर अब कम हो जाएगा। 4 मार्च से राज्य में एक बार फिर मौसम साफ होने लगेगा।